कमाल की बात है ना साची, 6 महीने हो गए हमें साथ रहते हुए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि मैरिड लाइफ में मैंने क्या किया तो कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं साची, 24 घंटे बचे हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, एक एक पल को यादगार बना देते। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल होना चाहिए। अरे भाभी डियर। अरे श्रवण, मैं तेरे पास ही आ रही थी तुझे पूछने के लिए। अब इस बार तूने क्या कर दिया श्रवण? पापा तुझसे बहुत नाराज है। हाँ पापा तो मेरे से हमेशा नाराज ही रहते हैं यार, लेकिन मेरी सिचुएशन क्या ये कोई नहीं समझता? मेरे और साची के रिश्ते को समझता है कोई? क्या क्या करना पड़ता है मुझे मैं ही जानता हूँ, लेकिन कोई समझे तो। आई नो, लेकिन ये सब और ये हथौड़ी कहाँ लेकर जा रहा है? गाड़ी तैयार करने। क्यों? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं, साची के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? वो साची ने कहा है कि वो अगर बारिश नहीं हुई तो वो गाड़ी में बैठी रहेगी, तो मैं अब वो गाड़ी का नोजल टेढ़ा करने जा रहा हूँ, जब मैं ऑन करूंगा तो ऐसा लगेगा बाहर बारिश हो रही है। श्रवण तू पागल है, और तू इतना क्यों टेंशन में आ जाता है? साची तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, तुझसे बहुत प्यार करती है वो। एनीवे हैव अ गुड टाइम, हां एंजॉय योरसेल्फ, बाय। वही तो मैं चाहता हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि साची मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। पहला वचन, हमारा ये बंधन 7 जन्मों का नहीं सिर्फ 6 महीनों का होगा। दूसरा वचन, हम पति पत्नी की तरह रहेंगे मगर सिर्फ दुनिया की नजरों में। तीसरा वचन, हम कभी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। चौथा वचन, जिस तरह मैंने अपना वचन निभाया है तुम भी अपना वचन निभाओगे। जब मैं कहूँगी रिश्ता खत्म तो खत्म। पांचवा वचन, हम दोनों कभी एक दूसरे पर इस रिश्ते का हक नहीं जताएंगे। छठा वचन, हम समाज और अपने परिवार को अपने रिश्ते की सच्चाई से अनजान रखेंगे। सातवां वचन, हम दोनों एक दूसरे को कभी प्यार नहीं करेंगे।
मेरे साथ सची। क्या हुआ श्रवण जी, गाड़ी क्यों रोक दी? No questions. Hey, go. Shravan ji, ये कहाँ चुप्पी क्यों कर रहे हैं आप? एक तारा हर लड़ाई के लिए। एक तारा कम है हमारी आगे होने वाली लड़ाई का। साची, अब जो होगा ना वो देखकर तुम मुझसे कभी नहीं लड़ोगी। श्रवण जी, ये आप इतने रोमांटिक कब से हो गए? अब हो गया हूं तो बाहर चले। बारिश नहीं हुई वो भी करवा देते हैं। जब भी मैं कुछ बड़ा करने जाता हूँ मेरी किस्मत ही मुझे छोटा दिखा देती है, हरा देती है मुझे। जरूरी नहीं श्रवण जी कि जैसा हम सोचे वैसा हो। अपनी आंखें बंद कीजिए और जो चाहते हैं वो सोचिए। साची, जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे अकेले जाने से नहीं हो सकता। तुम भी आंखें बंद करके विश करो ना। हेल्प मी। साची, अब तो तुम्हें नीचे उतरना ही होगा। मेरा काम मानना ही होगा।